वेलकम गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल एनिमेशन वर्ल्ड पर। और भाई बड़े दिनों के बाद आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आ गया हूं। आज का भाई वीडियो का थंबनेल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और अगर आपके फिर भी टॉपिक समझ में नहीं आया है तो यार इस वीडियो को कम्प्लीट देखना, क्योंकि यार वीडियो को बनाने में यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कर दो। और भाई हमने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर उसे भी ज्वाइन कर लो। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी लिस्ट में जो नंबर 5 पर पोकेमोन रेफरेंस आता है, वो आता है भाई आपके स्टीफन यूनिवर्स नाम के एक एनिमेटेड शो से। इस शो के एक एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि भाई इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट स्टीफन है, उसे भाई कुछ बीज परेशान कर रही होती हैं। और भाई ये जो बीज है, अगर हम उन्हें ध्यान से देखें तो भाई वे उनका जो बॉडी डिज़ाइन और कलर है वो पूरी तरह से विड्रिल पोकेमोन से मैच कर रहा होता है। और भाई ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोकेमोन रेफरेंस है। तो हमारी लिस्ट में जो नंबर 4 पर पोकेमोन रेफरेंस देखने को आता है, वो है भाई द एडवेंचर टाइम नाम के एक एनिमेटेड शो से। ये शो एक टाइम पे यार इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, और पर्सनली ये शो मेरा भी बहुत ज़्यादा फेवरेट था बचपन में। इस शो के एक एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि भाई जो जैक है वो अपने एक रूम का डोर ओपन कर रहा होता है, और भाई उस रूम में पहले से ही बहुत सारे वेपन्स रखे होते हैं। उन्हीं वेपन्स के बीच में हमें दिखाई जाती है एक पोकेबॉल, जिसे देख कर यार साफ साफ पता चल रहा है कि ये एक पोकेमोन रेफरेंस है। आपको ये रेफरेंस कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। और तो बढ़ते हैं अपने रेफरेंस नंबर 3 की ओर। तो हमारी लिस्ट में जो नंबर 3 पर पोकेमोन रेफरेंस आता है, वह है द सिम्पसन्स नाम के एक एनिमेटेड शो से। ये शो यार बाहर की कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और भाई इस शो के एक एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो बर्ट नाम का इस शो का कैरेक्टर है, वो टेलीविजन के अंदर यार पोकेमोन देख रहा होता है, जिसमें हमें ऐश और पिकाचू भी दिखाए जाते हैं। और भाई ये एक बहुत ही ज़्यादा ओपी पोकेमोन रेफरेंस था अब तक का। और भाई अगर आपको भी ये रेफरेंस अच्छा लगा तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो। बढ़ते हैं अपने रेफरेंस नंबर 2 की तरफ। तो हमारे लिस्ट में भाई नंबर 2 पर जो पोकेमोन रेफरेंस आता है, वह है द बेन 10 ओमनिवर्स सीरीज से। भाई जो बेन 10 है उसे अपने बचपन में किसने नहीं देखा, और भाई बेन 10 के जो एलियंस हैं और उसकी वॉच है उसे कौन नहीं जानता। ये शो इंडिया के अंदर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो भी रह चुका है। इस शो के एक एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि जो ग्रैंडपा मैक्स होते हैं, वे एक एलियन के साथ फिशिंग कर रहे होते हैं, और भाई फिशिंग के दौरान वे एक गैराडोज और एक मैजिक कार्प को पानी से बाहर निकालते हैं। लिटरली एक गैराडोज और मैजिक कार्प को बाहर निकालते हैं पानी से, जो वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन रेफरेंस है अब तक का इस लिस्ट का। तो आपको ये रेफरेंस कैसा लगा कमेंट में मुझे बताना। बढ़ते हैं अपने रेफरेंस नंबर 1 की तरफ। तो भाई हमारे लिस्ट में नंबर 1 पर जो पोकेमोन रेफरेंस आता है, वो है नारुतो से। नारुतो एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एनिमे है जापान का, और भाई इस एनिमे का भाई इंडिया में भी बहुत अच्छा खासा फैन बेस है। और अगर आपने कभी नारुतो का एनिमे देखा है तो आप कोरोमा को तो जानते ही होंगे। कोरोमा एक मिथिकल क्रीचर है जो हमें भाई नारुतो वर्ल्ड में दिखाया गया है, और भाई ये पूरी तरह से नाइन टेल फॉक्स पर बेस्ड होकर बना है। और भाई इनकी जो पावर्स हैं वो पूरी तरह से सेम है, और इनकी जो एबिलिटीज है वो भी पूरी तरह से सेम है, क्योंकि भाई जो नाइन टेल फॉक्स है और जो कोरोमा है, ये दोनों ही थाउजेंड्स ईयर तक सरवाइव कर सकते हैं, और इनके पास मिथिकल पावर्स भी हैं। तो भाई ये अब तक का सबसे बेस्ट पोकेमोन रेफरेंस है। तो भाई यही थे वे कुछ पोकेमोन रेफरेंसेस जो मुझे आपको बताने थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर करो। और अगर अभी तक आपने हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन नहीं कराया तो यार जाकर ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।